करेज करेज इज नोइंग वॉट नॉट टू फर टेज ट्वेंटी जवाहरलाल नेहरू जी ऑथर है बुक का नाम है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मिस्टर बिल गेट्स ने बुक लिखा है बिजनेस अड ऑफ थॉट पास लॉ होता है यह हाइड्रोलिक ब्रेक में लगता है लॉ फिजिक्स मिस्टर मारियो पुजो द गॉड फादर ऑथर ऑफ बुक लेग बोन होती है ये फिब्यूला वाइटामिन सी की से होता है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स आज के सवाल हैं इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज हैज बिन गिवन विच इज द हाइएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया दिस इज पीस टाइम हु वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन विच हाउस दो हाउस होते हैं इन विच हाउस द इम्पीचमेंट अगेंस्ट द इंडियन प्रेसिडेंट कैन बी इनिशियटेड दिनेश गोस्वामी कमिटी इज रिलेटेड टू वॉट एंड एजुकेशन कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द सेवेंथ शेड्यूल सो दीज आर क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकैबुलरी है फेसेट दैट इज अ डिस्टिंक्ट फीचर और एलिमेंट इन अ प्रॉब्लम बैक पैडल बैक पैडल करना मतलब मॉडिफाई करना अपने ओपिनियन को मेक इट लेस स्ट्रॉन्ग एमिनेंट एमिनेंट मतलब वो हाई रैंकिंग या इंपॉर्टेंस वाला कोई ऑफिसर है एमिनेंट फैब्रिकेट करना मतलब मेकअप समथिंग आर्टिफिशियल और अनट्रू विजिलेंट है मतलब केयरफुली ऑब्जर्वेंट है और अटेंटिव है इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड लॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं दिज आर फोर्टी फाइव प्लस को भी अब कोविड नाइनटीन वैक्सीनेशन मिलेगा दिस इज रिफंड पीनल इंटरेस्ट ऑन ई एम आईज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया लैंडर्स को दिस इज नो पब्लिक सेलिब्रेशन ऑन होली एंड अदर फेस्टिवल्स यू एन एच आर सी में इंडिया वोट एब्सटेन फ्रॉम दिस वोट ऑन श्रीलंका दिस इज करेक्टिव वॉइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल करेक्टिव वॉइस दिस इज द सर्च ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन साउथ एशियाज पॉवर ट्रेड द केस दैट टाइम फॉर गॉड री कैलिब्रेटिंग इंडिया ताइवान टाइज दिस इज एनक्रोचमेंट एशियन साइट्स न्यू टूल नीडेड टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ टी बी नोटिफाई करें हेल्थ पॉलिसी ऑन दिस रेयर डिसीजेज एंड दिस इज डिसीज बर्डन इज़राइल चाइना रशिया जी एस टी थर्टी थाउजेंड करोर दिस इज स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप कहाँ पर लद्दाख में नॉर्मल सी अ दर्पन दिस इज गांधी पीस प्राइज हिंदी आर्टिकल और ये बड़ा अच्छा मैप आया है आज लिंकिंग रिवर्स इन बुंदेलखंड और कौन से क्लियरेंसेज रिक्वायर होते हैं जब हम ऐसा लिंकिंग रिवर इंटर लिंकिंग का प्रोजेक्ट करते हैं दिस इज सॉल्यूशन सी सेट एंड सम क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट दिस इज द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर डेली एडिशन सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू फर्स्ट न्यूज है एज केसेस राइज कोविड नाइन्टीन का सेकेंड पीक आ रहा है और बहुत तेजी से ये केसेस बढ़ रहे हैं एज केसेज राइज गवर्नमेंट गिव्स नोट गवर्नमेंट ने हम दी टू इनक्यूलेट वैक्सीनेट करना ऑल ओवर फोर्टी फाइव फ्रॉम अप्रैल वन तो पहले सिक्सटी प्लस था अब इसको फोर्टी फाइव प्लस कर दिया है और किसी भी टाइप का को मॉर्बिडिटी का कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है सो so, जो भी फोर्टी फाइव प्लस है वो वैक्सीनेशन ले सकता है फ्रॉम अप्रैल वन नो नीड फॉर अ सर्टिफिकेट ऑन को मॉर्बिडिटी एंड लुक अभी हमने अराउंड 4.85 करोड़ का डोजेज एडमिनिस्टर कर लिया है कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन का सो दिस इज़ अ गुड स्ट्रेटी बट ये अभी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है स्केल और अप करने की ज़रूरत है टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एडवाइस किया है स्टेट्स को सो दिस इज कोविड नाइन्टीन यहाँ एक और न्यूज़ है द इंडियन एक्सप्रेस में कि शेयर इन वर्क फोर्स ऑलरेडी फॉलोइंग कोविड जॉब लॉसेज हिट विमेन हार्डर सी हमने देखा था जब भी इस टाइप के एपिडेमिक आते हैं डिजास्टर्स आते हैं तो जो वीकर सेक्शन है या फिर चिल्ड्रन हैं एल्डरली हैं विमेन ये ज़्यादा हिट होते हैं ज़्यादा इम्पैक्ट आता है इस डिज़ास्टर का ऑन दिस सेक्शन नॉ सी शेयर इन वर्क फोर्स ऑलरेडी फॉलोइंग तो ये दिस ग्राफ जो डिक्लाइन हो रहा है विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर इकॉनमी अर्बन फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन डिप हुआ सिक्स पॉइंट नाइन कोविड इंटरेस्ट ऑन ई एम आईज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया लैंडर को ये ऑन गोइंग न्यूज है इसमें काफी टाइम से डिले ये हो रहा था कि कोविड नाइन्टीन हुआ कोविड नाइनटीन हुआ तो लॉकडाउन हुआ लॉकडाउन हुआ तो सोर्सेज ऑफ इनकम बंद हो गए तो जो ऑन गोइंग लोन्स लिए थे कॉर्पोरेट ने अदर्स तो वो लोन वापस रीपे करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी तो गवर्नमेंट ने लोन मोरेटोरियम दिया सिक्स मंथ तक आपको लोन का पैसा ईएमआई वगैरह देने के लिए छूट मिला बट ये छूट था ये कोई डिफॉल्ट नहीं किया था इन्होंने तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो कंपाउंडिंग हुई इस ड्यूरेशन का वो इंटरेस्ट ऑफ करने का सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया लगा दिया कि जो दो करोड़ से कम है उन्हीं को ऑफ़ करेंगे बाकी ऑफ रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा बट अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्राइटेरिया भी करेक्ट नहीं है सभी का जो कंपाउंडिंग है इंटरेस्ट लोन मोरेटोरियम पे उसको आप रिलैक्सेशन दो बाय एंड लार्ज दोबडी हैज सफर्ड ड्यू टू द कोविड नाइनटीन लॉकडाउन सब पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ा है इवन द गवर्नमेंट सफर्ड बिकॉज नॉन रिकवरी ऑफ जीएसटी सो मेयरली सिंस द रिलीव अनाउंस बाय द यूनियन ऑफ इंडिया आरबीआई मे नॉट सूट द डिजायर ऑफ द बोर द रिलीव पॉलिसी डिसीजन रिलेटेड टू कोविड नाइनटीन केन नॉट बी सेट टू बी आर्बिट्ररी और वॉयलेटिव आर्टिकल फोर्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो जो आर्टिकल फोर्टीन है इक्वालिटी आपने टू करोड़ का एक बैरियर लगा दिया तो ऐसा नहीं सबको इक्वली यहाँ पर दिस बेनिफिट मिलना चाहिए तो जितना भी इंटरेस्ट आया था कंपाउंडिंग हुई थी वो सब ऑफ करो बिकॉज दीज आर नॉट लोन डिफॉल्टर्स ये लोन डिफर हुआ था डिफ़र मतलब डिले कर दिया गया था डिफ़ॉल्ट नहीं किया था और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी तो ये इक्वली सब पे फिट होनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अब इस मार्च वन टू अगस्त थर्टी वन का जो ड्यूरेशन था इस पर जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगा था वो वापस रिटर्न हो जाएगा नेक्स्ट ई में या कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा सो बैंक्स ना अब इससे बैंक्स को भी फायदा है ये डिले होने के कारण डिसीजन होने के कारण वो एनपीए पी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे बहुत सारे लोन्स को बट अप बिकॉज डिसीजन आ गया नाउ दे कैन गो अहेड विद दिस एन पी ए डिक्लेरेशन तो इट्स अ काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन सबके लिए नाउ दिस इज दिस इज नॉट राइट फाइव पुलिस मैन दिस छत्तीसगढ़ नक्सल एम्बुश मैंगल्ड रिमेन्स कुछ दिन बाद इसके बारे में हम बात करते हैं इंडिया एप्स्टीन इन यू एन एच आर सी वोट ऑन श्रीलंका रिजोल्यूशन इतने दिनों से इसकी बात चल रही थी इंडिया एप्स्टीन मतलब इंडिया वहाँ पे वोट पे गया ही नहीं इंडिया ने अपना जो प्रॉमिस किया था श्रीलंका को कि एबस्टेंट हो जाएंगे वो डिलीवर किया है नो पब्लिक सेलिब्रेशन ऑन होली अदर फेस्टिवल्स बिकॉज ऑफ कोविड रैंडम टेस्टिंग भी होगा सो दिस इज द द फ्रंट पेज ऑफ हिंदू ये नेक्स्ट पेज है सिक्योरिटी रिंग सोशल डिस्टेंसिंग इज इंपॉर्टेंट मास्क पहनना भी इंपॉर्टेंट है ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर स्टैंड इन साइड अ सर्कल लॉन्च हुआ है माई प्रोटेक्शन माई कैंपेन

फिल्म अवार्ड्स हुए इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया साउथ इंडिया की मूवीज़ ने नाउ सी ये एडिटोरियल का फर्स्ट सेकेंड एडिटोरियल है करेक्टिव वॉइस सुप्रीम कोर्ट डिड वेल टू ले डाउन गाइडलाइंस फॉर द जुडिशरी इन डीलिंग विद द केस ऑफ सेक्सुअल क्राइम अभी कुछ डिसीजंस आए थे सम हाई कोर्ट्स के इवन कुछ कोर्ट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे विच वर नॉट गुड नॉट राइट तो इस बात पे कोर्ट ने बैंकॉक जनरल गाइडेंस फॉर जजेस ऑन अप्लाइंग अ जेंडर परस्पेक्टिव इन साउथ ईस्ट एशिया इसका रेफरेंस लिया है बेंच ने लिस्ट किया होस्ट ऑफ अवॉइडेबल स्टीरियो टाइप्स स्टीरियोटाइप्स मतलब हम जैसे स्टीरियो टाइप्स बना लेते हैं जैसे पहले था कि कॉम्बैट रोल में आर्मी एंड एयरफोर्स में वुमेन को अलाउ नहीं करना है सो देर आर सर्टन स्टीरियो टाइप्स ये जो स्टीरियो टाइप्स हैं ये अवॉइडेबल होने चाहिए और दीस थिंग्स जो है ना दीस थिंग्स ये स्टीरियो टाइप्स आपके आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे ये स्टीरियोटाइप्स अवॉइडेबल है लाइक विमेन आर फिज़िकली वीक मैन आर द हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड एंड मस्ट मेक ऑल द डिसजन रिलेटेड टू फैमिली विमेन शुड बी सबमिसिव एंड ओबीडिएंट, वेमेन आर बैटलिंग सोसाइटीज इन ग्रेन एंड द जजमेंट एक्नोलॉजीज दिस बेटर रियालिटी तो ये जो स्टीरियोटाइप्स दिखे हैं इनको हमें नहीं सपोर्ट करना है यहां लिखा है ये इनग्रेन प्रिज्यूडाइस है प्रजाइस मतलब हमने पहले ही डिसीजन बना लिया है ये गलत है ये बिटर रियलिटी है जेंडर वायलेंस इज मोस्ट ऑफन एन श्राउडेड इन कल्चर ऑफ साइलेंस एंड साइलेंटली दे सफर पॉइंटिंग टू द एंट्रेंज अनइकल पावर इक्वेशन बिटवीन मैन एंड वेमेन कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स फाइनेंशियल डिपेंडेंस एंड पॉवर्टी ये जो डेटा है मे नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इंसिडेंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वेमेन मतलब बहुत सारा जो डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस होते हैं वो कई बार सरफेस ही नहीं होते हैं वो डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होता है सो विच इज नॉट राइट तो जो डेटा आ रहा है कोर्ट के पास कोर्ट को वहां इमीडिएट एंड एंड्रोप्रिएट एक्शन लेना जरूरी है दिस इज करेक्टिव वॉइस अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का आर्टिकल कौन सा है आप बताओ सो so, ये जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो सुप्रीम कोर्ट एक स्टैंडर्ड सेट करती है उसको बाकी कोर्ट्स फॉलो करती है सो so ये जरूरी था कि ये सीधा स्ट्रेट फ्रॉम द ट्रॉप टॉप एपेक्स कोर्ट इन सब इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई करे कि एक स्टैंड ले ले कि ये चीज़ें स्टीडियो है ये अलाउ नहीं होगा जैसे कुछ टाइम पहले जब परमानेंट कमीशन देने की बात आई थी या फिर कॉम्बैट रोल में बात आई थी तब भी कोर्ट ने इन सब बातों पर एक स्ट्रॉग व्यू पॉइंट प्रजेंट किया था सो द पॉइंट इज इक्वल सिटीजन्स हैं हमारे यहाँ डे वन से सबको राइट टू वोट मिला है जेंडर बेस्ड ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जबकि आप फ्रांस देखो यू एस ए देखो इनके पास डे वन से ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं थे बट इंडिया में है सो वेमेन आर इक्वल सिटीजन्स सिटीजन द कोड्स रीइट्रेशन ऑन वेर इट नीड्स टू स्टैंड ऑन वेमेंस राइट ये मूव एक राइट right डायरेक्शन में है बिकॉज द फाइट फॉर जेंडर इक्वालिटीज फार फ्रॉम ओवर सो अगेन ये कुछ पॉइंट हैं दे आर वेरी गुड आप इनको ईजिली ऐसे और आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो दिस इज बैंकॉक जनरल गाइडेंस फॉर जजेज ऑन अप्लाइंग अ जेंडर परस्पेक्टिव इन साउथ ईस्ट एशिया नाउ दिस इज पॉलिटिकल केरला दिस इज सर्ज ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन साउथ एशियाज पावर ट्रेड अपसी इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है इंडिया के जो हिमालय नेबर्स हैं नेपाल भूटान और इवन बांग्लादेश भी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ये करते हैं तो इंडिया ने 2014 में सार्क के अंदर एक लिबरलाइज इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड पॉलिसी लिया मतलब अगर इन कंट्रीज से हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं तो वो ईजीली लाइक इंक्लूड हो जाएगा पावर ट्रांसमिशन ईजी होगा समथिंग लाइक दैट बट द पॉइंट इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चाइना है चाइना ने इन कंट्रीज पे अपने सेटअप्स बना लिए और इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को सेल कर रहा है तो विच इज़ रॉन्ग तो इंडिया ने फिर इस डिसीजन से वापस बैक कर लिया तो नेपाल भूटान और बांग्लादेश जो हैविली डिपेंडेंट है इन सिंक है इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया तो इंडिया ने अब ये कहा है कि हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कंटिन्यू होगा बट द पॉइंट इज केवल अलाउ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बट ये जो सेक्टर में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है मतलब कंपनी तो यहाँ पर है बट उसका सारा पैसा चाइना से लगा हुआ है उसको हम अलाउ नहीं करेंगे दिस इज द न्यू डेवलपमेंट तो ये इंडिया का नया ट्रेड रूल्स पॉलिटिकल इनिश इरिटेंट है इन कंट्रीज के लिए बट दिस इज नेसेसरी एक स्टेबल इंस्टीट्यूशनल मॉडल दिल्ली प्लान कर रहा है दिल्ली का एक और प्लान है कि एंकर करे ग्लोबल सुपर ग्रिड वन सन वन वर्ड वन ग्रिड वन सन वन वर्ड वन ग्रिड मतलब इंडिया से लेके यहाँ पे एशिया वेस्ट एशिया अफ्रीका ये इधर ईस्ट एशिया भी इन सब का एक बहुत बड़ा वन ग्रिड बने इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग का यहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके पास रिन्यूएबल पोटेंशियल भी है वो भी इस ग्रिड में इंटरलिंक हो तो एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का एक पूल ग्रिड क्रिएट हो सकता है बट इसमें चैलेंजेस आएंगे चैलेंजेस आएंगे जैसे ये पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं दे आर सर्टिन टेक्निकल चैलेंजेस एज वेल सो फॉर नाउ दिस इज़ साउथ एशियाज़ पावर ट्रेड और ये भी पूरा बैकड्रॉप में हो रहा है विद दिस इंक्रीजिंग प्रेजेंस। देन द केस दैट टाइम फॉर गॉड द केस दैट फॉर गॉड यह एक बहुत बड़ा पॉइनेंट रिमाइंडर है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वुड एंश्योर स्पीडी जस्टिस एक पर्सन का एग्जाम्पल दिया है 2003 में कॉन्विक्ट यहाँ पे इनको जेल हो गया 2020 आ गया बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इनके कंप्लीट नहीं थे तो जेल में ही रहना पड़ा अब 2020 में पता चला डॉक्यूमेंट्स वर नॉट राइट इस पूरे के कारण जस्टिस वाज डिलेड द पॉइंट इज जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं तो उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं जैसे पुलिस हुआ प्रोसिक्यूटर हुआ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हुई फॉरेंसिक लैब्स हुई और इन सब इंस्टीट्यूट्स के बीच में डेटा का फ्री फ्लो नहीं है रिपोर्ट फॉरेंसिक लैब की है वो बीच में कहीं पे अटक जाएगी आगे फॉरवर्ड नहीं होगी तो जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है कोऑर्डिनेशन नहीं है डिपार्टमेंट के बीच में तो केसेस डिले होते हैं तारीख पे तारीख कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन दीज इंस्टीट्यूशनस आर फार फ्रॉम सीमलेस सो जैसे सवाल आता है जुडिशल जो वर्क है इसको स्पीडअप कैसे करें तो उसका एक एंगल ये भी है कि डिजिटाइज करें स्पेशली जो क्रिमिनल केसेज वाले जो आते हैं इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है इन डिपार्टमेंट्स के बीच में भी जो कॉम्युनिकेशन है उसको स्पीडअप करना है जुडिशरी तो ई e जुडिशरी हम कर रहे हैं बट जुडिशरी से एसोसिएटेड देर आर सेवरल अदर डिपार्टमेंट्स उनको भी हम क्लोज ऐसे इंटीग्रेट करें दिस इज द पॉइंट द केस दैट टाइम फॉर गॉट रिकलिब्रेट करें इंडिया ताइवान टाइज ताइवान और इंडिया के बीच में रिलेशनस क्लोज होते जा रहे हैं रिकलिब्रेटेशन की ज़रूरत है हेल्पिंग ताइवान नेविगेट द रेगुलेटरी एंड कल्चरल लैंडस्केप इन इंडिया स्ट्रेंदन करेगा रिलेशन्स वेर इज ताइवान ये हुआ कम्बोडिया दिस इज साउथ चाइना सी और ये जो आइलैंड दिख रहा है दिस इज ताइवान 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 के ऊपर है ईस्ट चाइना सी और यहाँ पर साउथ चाइना सी और फिर ये है फिलिपिंस फिर यहाँ साउथ कोरिया एंड दिस इज जपैन और ये है पूरा दिस चाइना सो दिस इज ताइवान कि ताइवान स्ट्रेट है ताइपी यहाँ की कैपिटल है ताइवान के साथ इंडिया का ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ पार्टनरशिप है बायोलेट्रल अग्रीमेंट एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट में कस्टम्स कोऑपरेटिव सिविल एविएशन, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन इसमें काफ़ी ज्यादा है ताइवान का आपको टाइम मिले तो गूगल में यूट्यूब में कुछ सिटी के मैप्स देखना वीडियोज देखना दिस इज दिस इज रियली ब्यूटिफुल कंट्री इसके पास एरिया कम है तो यहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स बहुत मिलती है यहाँ पे टॉल टॉल बिल्डिंग्स बिकॉज दिस इज एन आइलैंड तो ताइवान में दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी ताइवान तो ताइवान के साथ प्रॉब्लम ये है शेडो ऑफ चाइना सिविल जो वॉर हुआ था दिस चाइना में विल डिस्कस इट समाइम सिविल वॉर देन ताइवान का फिर ये हिस्ट्री है चियांग काई सो दिस इज ताइवान नाउ कोविड नाइन्टीन ट्रेडिशनल मेडिसिन में ताइवान का काफ़ी बड़ा रोल है एयर क्वालिटी में ताइवान काफ़ी अच्छा करता है एयर क्वालिटी इवन जो कोविड नाइन्टीन की बैटल है उसमें भी ताइवान ने एक्सलेंट परफॉर्मेंस दिया है एग्री वेस्ट का अच्छा मॉडल है इनका कल्चरल टूरिज्म पीपल टू पीपल कनेक्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमी कंडक्टर में ताइवान का जो एक्सपर्टीज़ है दैट इज़ अनपैरल सो वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम ताइवान दैट इज़ बाय एम्फेसिस बहुत बढ़ रहा है ताइवान और इसमें भी एक चाइना का एंगल भी है सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडिया एंड ताइवान रिलेशंस इंडिया ताइवान रिलेशंस पे एक नोट प्रिपेयर करिए गवर्नमेंट का एम के स्टेटमेंट्स भी जो आ रहे हैं जिस डायरेक्शन में इंडिया और ताइवान के रिलेशन अब आगे चल के बहुत कन्वर्ज होने वाले हैं सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ताइवान को हम अच्छे से समझें इंटरनेशनल रिलेशन में भी जो हमारा सिलेबस है ना वो मोस्टली क्या होता है इंडिया के आसपास वाले कंट्रीज़ या फिर जिससे इंडिया का डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ताइवान इज इंपॉर्टेंट नाउ दिस इज एल जी दिस इज हाउ क्विक इज द सेकेंड डोज दिस टू लैक रुपीज स्पेंड ऑन सुंदर बंस सुंदरबंश कहाँ हैं दिस मैनग्रूव फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल दिस इज एनक्रोचमेंट फाउंडेड थ्री ट्वेंटी वन साइट्स ये एंशियंट साइट्स हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स है यहां पे ह्यूमन जो रेसिडेंट्स आसपास के हैं वो ऐसे एनक्रोचमेंट करते हैं विच इज नॉट राइट हमारा एक आर्टिकल भी है डी में जो बात करता है आर्टिकल है डी में में एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटी भी है जो बात करता है अबाउट दिस मॉन्यूमेंट्स हेरिटेज एक्सेट्रा आंसर दिस एसिड अटैक कुडेंट स्टॉप ग्रिटी वूमेन फ्रॉम प्रोस्यूइंग हर ड्रीम सप्लाइंग सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट हैं को वैक्सीन के नीति आयोग ने बताया ओ केस फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है ऑल प्लीज इन हाई कोर्ट लेट एस सी इंडस वाटर पैनल का अभी मीटिंग होल्ड हुआ था हंड्रेड राउंड है परमानेंट इंडस कमीशन अमिड वाटर नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज इंडस वाटर दिस शेयरिंग ट्रीटी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था रिवर्स है कुछ रिवर्स का वाटर एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के पास है और कुछ का इंडिया वहां पे दिस डैम्स वगैरह बना के उसको यूटिलाइज कर सकता है ये इंडस वाटर कमिश्नर है मिस्टर प्रदीप कुमार सक्सेना एक्सेलेंट ऑफिसर राइट विद दिस पाकिस्तानी काउंटर पार्ट दिस दिस इज अफगानिस्तान इंडिया का बिगर रोल होना चाहिए ये आज बात किया है टीबी का टीबी में भी अंडरलाइन देखे ना तो टीबी में भी जो न्यू ड्रग्स हैं जो कोवैक्सिन भी है कोविशील्ड भी है और हम वैक्सीनेशन नई भी बनाए टीबी के लिए कोविड दिस कोवैक्सिन कोविशील्ड इज फॉर दिस कोविड नाइनटीन टीबी का भी अगर अंडरलाइन देखें तो इसमें जो मल न्यूट्रिशन है वो एक मेजर फैक्टर है टीबी के लिए टीबी केसेस इमर्ज ड्यू टू मल न्यूट्रिशन जो हैम्पर करता है रेस्पॉन्स टू ड्रग्स सो टी जो है कोविड नाइन्टीन में भी ओवरऑल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट टी में भी अगर ओवरऑल हेल्थ बेटर होगी तो टी के केसेस कम हो सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं ये डिसीज बर्डन कहलाती है नोटिफाई हेल्थ पॉलिसी ऑन रेयर डिसीजेज़ हाईकोर्ट ने कहा वॉट इज डिसीज़ बर्डन डिसीज बर्डन बोलता है इम्पैक्ट ऑफ अ हेल्थ प्रॉब्लम एज मेजर्ड बाय फाइनेंशियल कॉस्ट एक पर्सन है अगर कोई डेली वेज वर्कर है वो एक दिन अपना ड्यूटी पे नहीं जाएगा तो उसको उस दिन का दिस तनख्वाह नहीं मिलेगा सो फाइनेंशियल कॉस्ट होती है मोर्टैलिटी होती है मॉर्बिडिटी होती है ये इंडिकेटर्स है तो बीमार होना लाइक इट्स अ डबल वैमी एक तो नुकसान हुआ इनकम खत्म हो गई और दूसरा ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं So it is often quantified in terms of quality adjusted life years or disability adjusted life years. This is disease burden. COVID-19, country mein lockdown, disease burden, economic cost. This is regal with a touch of sportiness, bajaj e-scooter, jeep Wrangler launch, this is aircross, diesel or petrol. This is this is the next one. नाव दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़ चाइना रशिया बोल रहे हैं एक नया सिक्योरिटी डायलॉग पार्टनर बनाते हैं डायलॉग प्लेटफॉर्म बनाते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स हिट आउट द यू एस फॉर फॉर्मिंग स्मॉल सर्कल्स ऑलरेडी हमारे पास एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है दिस चाइना भी है इंडिया भी है दिस रशिया भी है नाओ दे आर थिंकिंग एक दूसरा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसपे एक स्मॉलर सर्कल होगा इन सब कंट्रीज़ का ये म्यांमार जनता है डिफेंस क्रैकडाउन ट्रू मल्टीलिटरलिज़म बांग्लादेश रोहिंग्या

रिन्यूड अरब भी होंगे अकॉर्ड का नाम क्या है जो अभी इसराइल ने बहरीन और यू के साथ साइन किया है आंसर। श्रीलंका सिक्योर डॉलर बिलियन चाइनीज लोन। श्रीलंका एंड चाइना देन दिस इज बिजनेस रेडी टू डिस्कस जी एस टी ऑन फ्यूल इफ स्टेट वॉन्टेड एक रिपोर्ट आया था कि अगर पेट्रोल को जीएसटी के अंदर ले आए तो पेट्रोल में अभी जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है देन स्टेट का वैल्यू एडेड टैक्स वेट लग रहा है तो पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा अप हो जाता है कैस्केडिंग भी होती है एट टाइम्स तो अगर जी के अंदर आ जाएगा तो प्राइसेस हम नॉर्मलाइज कम कर सकते हैं इट इज़ एक्सपेक्टेड की अराउंड 65, 70 तक भी आ सकता है पेट्रोल सो लेट एस सी रेडी टू डिस्कस जी ऑन फ्यूल इफ स्टेट्स वॉन्टेड स्टेट्स को थर्टी करोड़ मिल गए जी एस के बैंक स्टॉक स्टॉक्स रैली ओवर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन मॉरेटोरियम क्योंकि अब वो एनपीए डिक्लेयर कर पाएंगे बैंक्स को बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं उनको बेनिफिट होगा ये के ने रिपोर्ट साइट किया है कि नॉर्मल सी दो आ जाएगा कोविड नाइन्टीन फिर से अगर बढ़ा ग्राफ तो अगेन हम पुशबैक हो जाएगी इकोनॉमी नॉट गुड फॉरेंसिक ऑडिटर टू वेट सुजलॉन्स बुक क्रिकेट वॉचिंग एंड दिस इज स्पोर्ट्स ये न्यूज है स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप फॉर द यूथ ऑफ लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख यहाँ है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कहाँ पर लेह में और कारगिल में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट लद्दाख ने यह एडवर्टाइजमेंट दिया है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यू टी ऑफ लद्दाख नया यू टी बनाए अभी नंबर ऑफ यूटीज कितने हैं एंड नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है आज की डेट में इंडिया में आंसर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है ये लेह एंड लद्दाख द पॉइंट इज स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे करें फॉर द यूथ ऑफ लद्दाख अब इसमें एक्सपर्ट्स में क्या क्या यहाँ पे पोटेंशियल है हर स्टेट का कुछ स्ट्रेंथ होता है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर का ऑटोमेटिव स्किल्स का फूड इंडस्ट्री स्किल इनिशिएटिव मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सी लद्दाख इज़ वेरी ब्यूटिफुल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का साइंस टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हिमालयन एक्सपिडिशन का बिकॉज हिमालयन एक्सपिडिशन देर आर देर सो मेनी पोटेंशियल तो ये कौन सी थीम्स हैं एपरल होम फर्निशिंग ऑटोमेटिव देन फूड इंडस्ट्री मीडिया एंटरटेनमेंट टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी साइंस टेक दिस टेक्नोलॉजी ग्लोबल हिमालयन एक्सपिडिशन सो लद्दाख जो है दिस इज न्यूवर वन तो लद्दाख के बारे में हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है नोट ऑन दूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख अब इसमें आप पॉलिटिकल कुछ बात लिखो कि ये जो यूटी है इसका कौन सा नंबर है देन यूटी बना कौन सा एरिया है इसके जोन क्या है पोटेंशियल इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है सिक्योरिटी वाइज क्या है यू कैन रेड सो मेनी थिंग्स प्रिपेयर अन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख दिस इज इंपॉर्टेंट देन ये दर्पण करके एक दर्पण टू पॉइंट वो लॉन्च हुआ है दर्पण टू पॉइंट वो इंडियन एक्सप्रेस में है ये बिफोर दैट ये चौबीस तीन दो हजार बीस का सीन है और ये तेईस तीन दो हज़ार इक्कीस वन ईयर ऑफ लॉकडाउन देन दिस इज शेयर वीमेन पार्टिसिपेशन एंड दिस इज थर्टीन सेंचुरी असम एंड यहाँ पर है दर्पण दर्पण टू रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है दर्पण 2006 में 16 में किया था इसमें मैंडेटरी था रजिस्ट्रेशन हो सारे सिविल सर्विसेज सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का ताकि वो टैक्स एग्जैम्शन ऑर्गेनाइजेशन को मिले हर ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिक आईडी हो गवर्नमेंट भी उनपे एक टैप रख सके मॉनिटर कर सके उनका वर्क ये जो पोर्टल था विद लिटिल ओवर वन लैक ,00 रजिस्ट्रेशन डेटा कलेक्ट करता है फंडिंग थ्रू सी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज स्टेट गवर्नमेंट एफ सी आर एफ सी आर एन जी ओ एफ सी आर ए दिस इज इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी नीति आयोग ने एन्जिस्ट किया है जी आई एस मैपिंग भी होनी चाहिए एन जी ओज प्रोजेक्ट्स की एंड इज वर्किंग ऑन दर्पन टू पॉइंट वो सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजी ओज बड़े अच्छे काम भी करते हैं जैसे एक सी आर वाई है चाइल्ड राइट्स एन यू एक कैलाश सत्यार्थी जी का है बचपन बचाओ सो एन जी ओज का वर्क इम्पोर्टेंट है बट मैनी अ टाइम्स इनकी जो फंडिंग होती है जैसे एफ सी आर ए के नए रूल्स में बताया था अगर फॉरन फंडिंग है वहाँ पर तो ये क्या अगेंस्ट स्टेट तो नहीं है क्या यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है तो इन सब चीज़ों के लिए इनको एक रजिस्ट्रेशन है दर्पण टू थाउजेंड सिक्सटीन अब ये दर्पण टू पॉइंट हो रहा है तो इस रजिस्ट्रेशन में उनका डेटा होगा सी एस आर फंडिंग क्या लिया है जी आई एस मैपिंग भी होगा ये एक चीज़ वर्क अभी कर रहा है नीति नीति आयोग ने ये सलेक्ट सजेस्ट किया है हेल्दी पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ये एडिटोरियल है पेइंग द ड्यूज दिस इज रिंगिंग आउट द ओल्ड व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पोस्ट कोविड प्रस्क्रिप्शन लॉकडाउन और उसके बाद वॉट नेक्स्ट एंड चाइना का बैकड्रॉप कंडीशन अप्लाइड दिस इज एम टी पी बिल एंड लॉस्ट इन लॉकडाउन एंड वेरसिटी दिस इज कोविड नाइन्टीन गाइडलाइंस एम एच ए ने अप्रैल थर्टी तक एक्सटेंड कर दिया है देन दिस इज लिंकिंग रिवर इन बुंदेलखंड ये काफ़ी अच्छा मैप है अभी ये रिवर इंटरलिंकिंग का ये अग्रीमेंट साइन हुआ है यहाँ से है केन रिवर केन रिवर आएगी तो बीच में आएगा पन्ना टाइगर रिजर्व इस पन्ना टाइगर रिजर्व के कारण ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा था सो केन रिवर ये मध्य प्रदेश में यहाँ पे इस जोन पे है ये बुंदेलखंड जोन कहलाता है यहाँ से केन रिवर आई केन रिवर गई पन्ना टाइगर रिजर्व में ये छतरपुर है फिर यहाँ से एक लिंक कैनाल बन रही है जो इस केन रिवर का एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई कर देगी बेतवा रिवर पे बेतवा रिवर पे तो ये जो झांसी दतिया ये जो पूरा जोन है यहाँ पे वाटर का जो स्कैरसिटी है वो यहाँ पे कवर अप हो जाएगा सो दिस इज द प्रोजेक्ट अग्रीमेंट साइन हुआ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में और ये ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगा तो दिस इज द थिंग रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स अगर हम देखें तो अभी डीपीआर कंप्लीट हो गया है केन बेतवा का एक दमन गंगा पिंजल का भी है पार तापी नर्मदा कावेरी वैगई गुंडा इस पूरे का मैं पीडीएफ डी बना के अभी शेयर कर दूंगा दिस इज कलेक्शन आर्टिकल ये पूरा दिया है इसको एक बार पढ़ना भी है रिवर इंटरलिंकिंग काफ़ी पुराना हमारा दिस एम्बिशियस टारगेट्स बनाए थे हमने काफ़ी टाइम से चल रहा है ये वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट के टाइम से यहाँ ये बात था कि कुछ रिवर्स में बहुत एक्सेस वाटर होता है कुछ बहुत स्का्स होता है क्यों ना एक्सेस वाटर हम दिस यहाँ पे ट्रांसफ़र करें आइडिया तो ये भी था क्यों ना हम हिमालयन रिवर को यहाँ पे साउथ में पेनिनसुलर रिवर तक पानी कैरी करें बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है लैंड एक्विजिशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा टेक्निकली वो फिजिबल होगा या नहीं होगा एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या होगा डूब में कितना एरिया आएगा फिर जो एरिया आएगा वहाँ पे रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट में कितना एक्सपेंसेस होगा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना होगा बिकॉज इंडिया में हम प्लान दस साल करते हैं वो हो जाता है ट्वेंटी फाइव थर्टी ईयर तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये कुछ प्रैक्टिकल कंसर्नस थे प्लस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ज़रूरी होगा दो डिफरेंट इकोलॉजी की रिवर्स अगर ऐसे मिक्स होगी तो वहाँ पे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा वहाँ के दिस जो रिवर में जो एनिमल्स हैं जो रिवर की फिशेज हैं इन पे क्या इम्पैक्ट होगा सो so, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इट्स नॉट दैट इजी दैट इज वाई इसमें इतना ज्यादा डिले होता है बट फॉर नाउ ये ऐसा कंप्लीट हुआ है लेट लेटेस्ट सी यहाँ पे ये दोधन डैम भी है रिमेंबर द नेम दिस क्वेश्चन ये आया था 2015-16 में रिवर इंटरलिंकिंग का सो so, ये है दिस केन बेतवा अब केन बेतवा एंड दिस इज क्लियरेंसेस कौन से चाहिए क्लियरेंसेस चाहिए आपको इकोनॉमिक क्लियरेंस फॉरेस्ट क्लियरेंस एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिहेबिलिटेशन ट्राइबल पॉपुलेशन और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेज भी सो द पॉइंट इज इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस अभी इनिशियल स्टेज पे अप्रूवल मिला है लेट लेटेस्ट सी आगे क्या प्रोग्रेस होती है देन दिस इज एटी वन बॉन्ड्स यूएस एस्ट्राजेनेका फायर रोहिंग्या कैंप में प्रोविडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ये ढाई लाख का कैप अनाउंस हुआ था बजट में काफ़ी कम था ढाई लाख रुपए इसको अब बढ़ा के फाइव लाख हो गया ये होना था ट्वीक हो गया है बजट का देन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक एन पी एज एंड दिस इज़ यूनिकॉर्ज इतने सारे हो गए यू पी आई इज़ गुड सो दिस इज़ इंडियन एक्सप्रेस अभी हमने गांधी पीस प्राइज़ पढ़ा था कल परसों ही अनाउंसमेंट हुए गांधी पीस प्राइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्राइज हैं ये नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी जी हैं वन ट्वेंटी फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी नाइनटीन नाइन्टी फाइव से ये स्टार्ट हुए थे दिस इज़ द डेटा हिंदी में देखें तो 1995 से वन जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा ये स्थापित किया गया था यह वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थाओं को व्यक्ति भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है आप बताओ क्या इसरो को भी ये अवॉर्ड मिला है क्या व्यक्तियों और संस्थानों को अहिंसा और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में उनके योगदान हेतु दिया जाता है इसमें एक करोड़ रुपए नकद राशि होती है एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र होता है तथा एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला हथकरघा निर्मित उपहार प्रदान किया जाता है यह पुरस्कार राष्ट्रीयता नस्ल भाषा जाति पंथ से परे तभी तो बांग्लादेश और यहाँ पे ओमान इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है तो दिस इज नॉट लाइक ये केवल इंडियंस को मिलेगा राष्ट्रीयता नस्ल भाषा जाति जाति पंथ से परे सभी व्यक्तियों के लिए है सो दिस इज गांधी शांति पुरस्कार 1995 से स्टार्ट हुआ है एनिवर्सरी में और ये पर्सन को भी मिल सकता है और इंस्टीट्यूशन को भी मिल सकता है ये बुंदेलखंड है इसको एक बार पढ़िएगा दिस इज अ गुड आर्टिकल जोग्राफी ये नेक्स्ट नंबर फाइंड करना था सी इन दोनों का डिफरेंस फिर इन दोनों का डिफरेंस फिर इन दोनों का डिफरेंस सो देर इज अ पैटर्न फोर्टी फाइव थर्टी फाइव ट्वेंटी एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लेस वैल्यू सेवन का मतलब ये किस पोजीशन पे है यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड तो ये सात हजार का इसका क्या है इस प्लेस वैल्यू है इस पोजीशन की वैल्यू है हज़ार सात हज़ार यहाँ अगर आठ होता तो वो आठ हज़ार हो जाता तो दिस इज प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू मतलब इसकी क्या फेस है इसका फेस है सेवन तो सेवन हो गया फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू हो गया थाउजेंड तो प्लेस वैल्यू सेवन थाउजेंड फेस वैल्यू हुआ सेवन डिफरेंस कितना हुआ सिक्स नाइन नाइन थ्री

क्या क्लियरेंस है चैलेंजेस क्या है दिस इज इंपॉर्टेंट इस पर कुछ ही दिन पे हम एक आंसर राइटिंग भी करेंगे दिस इज गांधी पीस प्राइस लद्दाख लद्दाख के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है प्रिपेयर अ नोट ऑन द यूनियन टेरिटोरी ऑफ लद्दाख एंड ताइवान नेक्स्ट क्लोज काफ़ी क्लोज रिलेशन है और पोटेंशियल बहुत है ताइवान के साथ कोऑपरेशन में साउथ एशियाज पावर ट्रेड करेक्टिव वॉइस दिस इज अबाउट कोविड नाइनटीन So this is uh, 24th of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.